ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, सो माय स्टडी रूटीन और स्टडी व्लॉग स्टार्ट्स विद सम हनी लेमन टी। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, जनरली हमें मिल्क टी, हमारी चाय, असली चाय चाहिए होती है। बट येस्टरडे आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड विद हमारा डिनर, सो आई डिसाइडेड कि आज ना ही आई हैव ब्रेकफास्ट और ना ही हम कुछ मिल्क वाली टी लेंगे। ओके, हमारी टेबल पे अब पाइल्स ऑफ बुक्स नहीं है, बट स्टिल थोड़ी मेसी है, तो फर्स्ट आई विल ऑर्गेनाइज माय टेबल। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद माय टू डू लिस्ट एज यूजुअल। नाउ यू नो मी, टू डू लिस्ट तो होती ही होती है। टू डू माई जर्नलिंग, जर्नलिंग ऑफ थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम दिन में दो बार करते हैं जर्नल, एक सुबह के स्टार्ट में ताकि पहले ही माइंड एकदम फ्रेश रहे, कोई भी डे बिफोर या रात को जो भी सपना वगैरह देखा हो उसकी कोई थॉट्स ज़्यादा ना रहे दिन भर, तो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट ग्रैटिट्यूड लिस्ट, ताकि दिन भर पूरा बहुत अच्छा जाए। एटलीस्ट यू स्टार्ट योर डे विद दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग दैट यू हैव। And now that I'm done with that, I have some time for my first class. So, tab tak ke liye, I am revising something which was a form of assignment. Sir ne kaha tha ki assignment hai, and our assignment was to read scene 1 of the drama jo hum log ko sir karwane wale the. So yes, I'm studying that. अब हमारी फर्स्ट क्लास शुरू हो गई है, सो या आई एम इन क्लास राइट नाउ। हमेशा एक घर में पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग हमेशा राइट स्पेस में ही हों टू स्टडी। कई बार पूरे घर में एग्जांपल काम चल रहा है, कुछ भी है, राइट, हम लोग हमेशा कंडीशन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मेक श्योर यू मेक रफ नोट्स। तो नोट्स बनाने के मदद से आप पूरे टाइम फोकस रहेंगे, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको जो भी टीचर कह रहे हो उसे लिखना भी होगा, तो यू विल बी अटेंटिव एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए फेयर नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, सो मेक श्योर यू डू दैट। सो अभी आई हैव लगभग 50 मिनट्स फॉर माई नेक्स्ट क्लास, तो तब तक के लिए आई थॉट नेक्स्ट क्लास के लिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड अच्छा किया ना हमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, अभी हम गुलाब जामुन खाएंगे जो हमने कल बनाए थे। सो यस, वी विल हैव सम गुलाब जामुन एंड प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। और बाय द वे अभी हम बेड पर हैं, बेड टेबल के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी घर में इस टाइम सुबह का टाइम है ना, काम वगैरह चल रहा है, सो दैट्स व्हाई। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर माई नेक्स्ट क्लास, जो भी होने वाला है उससे पहले हम जो लास्ट क्लास में करवाया गया था सेम सब्जेक्ट की लास्ट क्लास में, वो सारा हम रिवाइज कर लेंगे, सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी। नाउ अगेन ऑनलाइन क्लासेस की हमारी टिप नंबर 1 यही होगी, जो एटलीस्ट
आई एम नॉट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट, बट हम हमेशा ये कहते हैं जो हम देखते हैं, आई जस्ट शेयर माई आइडियाज़। तो हमारी तरफ से टिप नंबर वन यही है कि मेक श्योर जो भी आपकी पुरानी क्लास में हुआ है, आप उसे एक बार नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज कर लें, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंग कि अरे ये क्या करवाया था, क्या करवाया था। जब तक आप सोचें तब तक आगे नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू हो जाते हैं। रिवाइज, हमेशा रिवाइज करें। सो नाउ दैट आई वॉज डन विद द रिविजन थिंग, आई थॉट जो पहली क्लास में जो भी कुछ हुआ है उसके हम नोट्स बना लेते हैं, नहीं तो अगेन होता क्या है कि तब हम लोग अगर तुरंत के तुरंत, एटलीस्ट दैट हैपन्स फॉर मी, कि अगर हम तुरंत के तुरंत नोट्स नहीं बनाते हैं तो आई टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट एंड फिर वो कभी होते ही नहीं हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमने कई कई बार पूरा पूरा सेमेस्टर ऐसे ही निकाल दिया कि नोट्स बनाएंगे बनाएंगे एंड देन इतना सब हो जाता है कि वो इतना हेक्टिक लगता है कि नोट्स बन ही नहीं पाते और फिर एग्जाम टाइम में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर टू, मेक श्योर यू आर ऑलवेज रेडी एंड डन विद योर नोट्स। सो आर नेक्स्ट क्लास इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो उसके लिए मैम सेड कि हमारी क्विज होगी। सो या I scored 5 out of 5 on the squares. Also, my laptop screen is so dirty, I have to clean that also. And the reason why I couldn't record my quiz, stand laga tha aur Reki ji ne stand gira kar baith gayi aur ab dekhiye kitni shanti se baithi hain. Reki, हर बार इसी टाइम तुम जब हम यहाँ पर शूट करते हमारे वीडियोस क्यों खराब करती हो? तो क्योंकि हमारी क्विज थी तो क्लास जल्दी खत्म हो गई एंड देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा बुक रीड कर लेते हैं। ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है और ये हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो यस हम इसे कई बार पढ़ भी चुके हैं। इट्स माई फेवरेट, इट्स द फिक्स। आज क्लासेस कम थी तो हमें व्लॉग के लिए बाकी ये रीडिंग वीडिंग भी शामिल करने को मिल गया। वाव, थैंक्स यूनिवर्स। सो टुडे फॉर लंच आई एम हैविंग कप नूडल्स। सो यूजुअली हम कप नूडल्स नहीं खाते, इनफैक्ट हमारे पूरे लाइफ में ये सेकेंड या थर्ड बार ही होगा दैट आई एम हैविंग दीज कप नूडल्स। तो हमने सोचा आज ब्लॉग भी शूट करना है तो वाई नॉट लेट्स हैव समथिंग डिफरेंट टुडे। कप नूडल्स एंड सम लस्सी। इफ यू थिंक दैट ये थोड़ा वियर्ड नहीं है रिश्वे का, आई डोंट नो इफ दैट्स वियर्ड और नॉट, बट
इट इज़ वॉट इट इज़। एंड जब वियर्ड फूड की बात आती है तो हम ने कई बार बहुत वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन फूड के ट्राई किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए अभी थोड़ा टाइम है, 10-15 मिनट। तो हमने मूवी देख ली, जस्ट गो विद इट, जितना भी टाइम था। बाय द वे आई लव दैट मूवी, पता नहीं कितनी बार हम देख चुके हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है वर्ल्ड लिटरेचर की। सो नाउ ओनली टू क्लासेस आर लेफ्ट एंड दैट टू माइनर कोर्सेज हैं। तो एक साइकोलॉजी है और एक चाइनीज है। यस, ज़्यादा क्रेडिट्स के चक्कर में दो माइनर्स ले लिए। एनी वेज एंड ऑल्सो आई एम हैविंग दिस सीवियर हेडेक, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो एनी वेज लेट्स अटेंड आर क्लास। दो ही क्लासेस रह गई, शुक्र है। एंड ऑल्सो पार्डन माई हेयर, क्योंकि दोपहर तक क्लासेस के टाइम तक हमारे बाल ऐसे ही हो जाते हैं। और यस, एंड टुडे आई विल वॉश माय हेयर। तो ओके, सो इट वाज सैटरडे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों के हर लेक्चर में क्विज हुई है। तो इनफैक्ट आई हैव मिस्ड सम ऑफ द क्लासेस इसीलिए कि क्विज क्या ही रिकॉर्ड करनी। तो यस अगेन, इस सब्जेक्ट में भी क्विज हो रही है। And now Chinese class. So after I was done with my classes, I had some warm milk. By the way, मैं आइस टी का मन था लेकिन मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा कहते नहीं, अब मौसम ठंडा हो रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, हैव सम वॉर्म मिल्क। तो हमने वॉर्म मिल्क लिया विद जिम जैम बिस्किट्स, माय फेवरेट। तो अब जितनी भी हमारी क्लासेस हुई उनमें जो हमने रफ नोट्स बनाए एंड एडिशनल साइट से अगर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है तो उस सब को मिलाकर आई एम मेकिंग फेयर नोट्स। सो यस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर माय व्लॉग। एंड कुछ भी जो हमने टिप्स बताई वो हाँ हम हमेशा करते हैं। आई मेक माई फेयर नोट्स, आई मेक माई रफ नोट्स। तो येस, दैट वॉज प्रिटी मच इट। एंड इफ़ यू आर एंड आई थिंक आई वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप लर्निंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।